हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की शुरुआत तो मतलब अभी तो स्कूल जाने की तैयारी है, बट बीच में बारिश आनी शुरू हो गई है, तो शायद से ऐसा लग रहा है कि पापा को जगाना पड़ेगा कि चलो मेरे को छोड़ जाओ, क्योंकि अगर फिर बारिश में गया कुछ छाता वाता मतलब बंद भी हो गई। देखो अभी बारिश का सीन कुछ ऐसा है, थोड़ी देर आ रही है, थोड़ी देर बंद हो जा रही है, ऐसा है। तो अभी फिलहाल आंटी क्या कर रहे हो? तो मम्मी, जय श्री कृष्णा। अभी बारिश ने तो आपको परेशान कर रखा होगा? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ, मुझे तो मजा आ रहा है। अच्छा, ऐसा है। फिर थोड़े दिनों बाद परेशानी होगी, जब कपड़ा सूख नहीं होगा, फिर घर में इधर से उधर सब जगह दोरी लगाएंगे ना, है ना? मुझे तो नहीं, पर मुझे तो तब भी अच्छा ही लगता जब बारिश आती, तो मुझे तो अच्छा ही मतलब बारिश आती है तो सबको अच्छा ही लगता है, किसी को भी ऐसा नहीं होता कि क्या यार बीच में बारिश आ गई, मतलब ऐसा मजा आता है, ठंडा ठंडा वेदर हो जाता है, एकदम मस्त बादल बादल एकदम, अभी भी घना घना। मैं तो रात को 3 बजे बारिश आती है ना, तब भी देख के निकले बारी में बैठ जाती हूँ। अच्छा, इतना पसंद है मम्मी को बारिश, मतलब मेरे को तो रात को बारिश आती है वो ही नहीं पता होता, क्योंकि मैं तो आराम से मस्त सो रहा होता हूँ, विंडो बंद होती है या फिर खुली होती है, तब तभी आवाज तो आती नहीं है, जब एकदम फुल नींद में सो रहे हो तो थोड़ी सी बारिश में क्या आवाज आएगी, बट मम्मी को तुरंत आवाज आती है ना तो उठ के बैठ जाता है देखने के लिए। ये देखो गाइस, यहाँ पे है ना बहुत ही बड़ा ब्लैक बादल है ऊपर सर पे, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी सन की रेज आ रही है, बट अभी सन तो नहीं दिख रहा। ये देखो, हमारे सारे प्लांट्स बिगड़ ना जाए ना, इसलिए आंटी ने ऐसा प्लास्टिक का लगा दिया है, और ये जब कपड़े सुखाने होंगे तो पूरा दोनों साइड से बंद हो जाएगा, वैसा की है, बराबर ना मम्मी? 6.5 hours later। तो गाइस, अभी फिलहाल स्काई आ चुका है फिर से हमारे घर पे, और इसका लुक एकदम चेंज हो गया, क्योंकि इसके सारे हेयर कट करवा दिए, एकदम आंटी कितना पतला पतला लगने लगा, देखो ना, बट मतलब ऐसा पूरा अलग ही लुक हो गया इसका। ये देखो गाइस, कितना पतला हो गया, मतलब ऐसे स्काई ले ले ले, अभी तो मतलब आके थोड़ी देर, अरे हेयर कपड़े अभी पानी वानी, उसको पानी पीना था लास्ट टाइम हमने यहाँ पे रखा था, तो वो तुरंत इधर ही आया है ना आंटी। ऐसा सेंस तो है इस बंदे में, नहीं है ना इसलिए ना, ये यशवी का है ना कुछ मतलब ऐसा फिक्स ही नहीं होता, कुछ भी बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती, ऐसे रियलिटी जा ना। ये तो स्काई का मैं बोल रहा हूँ, उसको मतलब ऐसा याद है सब कुछ, इधर पानी रखा था तो उधर मैं जाऊंगा तो मेरे को पानी मिलेगा, तो यशवी बोलती है कि वो तेरे जैसा नहीं है, मतलब क्या कुछ भी मतलब कुछ भी है। गाइज ये देखो स्काई, मतलब टीवी में आंटी ने वीडियो किया ना, तो उसको मतलब ऐसा हो रहा है कि सच में आ गया वो, कोई अभी चला गया पानी पीने चला गया। और यहाँ पे मेरी पढ़ाई चल रही है, मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी तक आया है ना, मैंने टच भी नहीं किया, पहले मैं मेरा सारा काम पता देता हूँ, बाद में ऐसे हाथ वाथ ऐसे लगा के मस्त है, उसको मजा है, अभी उसको बाहर जाने का है, देखो पूरा मतलब ऐसा फंसा देता है, ए भाई तेरा मुंह फल जाएगा, ए भाई पूरा मतलब उसमें मुंह डाल देता है बॉक्स में। तो गाइस, अभी फिलहाल मेरा सारा होमवर्क वगैरह सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे मस्त वियाना अभी खेल रही है, और पापा भी आ चुके हैं। पापा बढ़िया बढ़िया। पापा दिख क्यों नहीं रहे हो? हाँ अब दिख है, क्योंकि ऐसे में ना हम सब काले हो जाते हैं, और ये वियाना मेरे आता है ना, सामने से एकदम फुल लाइट आती है ना, तो कैमरा पागल हो जाता है, तो सारा ब्लैक ब्लैक कर जाता है। तो चलो अभी फिलहाल पापा मैं तो जा रहा हूँ नीचे, टीवी देखो या फिर बातचीत करो, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ नीचे, मैं हो गया फ्री, तो चलो चलते हैं नीचे। वियाना तुझे आना है?
चलो अपने बाबा जावे। अभी वियाना को भी नीचे साथ में लेके जाता हूँ, इसके दादी तो नीचे बैठे ही है, वो और ये दोनों खेलेंगे, मैं चक्कर वक्कर लगा के आ जाऊंगा। चलो 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 चलो, लिफ्ट आ गई। बाय चलो चलो चलो। तो गाइस अभी नीचे आई है तो दादी लोग के भजन सुन लेते हैं, तो चलो सुना देता हूँ आपको दादी लोग के भजन। अभी मतलब मैं उस साइड जा रहा था ना, तो मैंने वियाना को बोला ना, वियाना टाटा, तो बोलती है ना देव भाई, मतलब वो यहाँ पे खेल रही है ना, उसको मतलब इधर एक जन चाहिए कि मैं खेल रही हूँ तो मेरे को देखो कि मैं खेल रही हूँ। मतलब वियानू हाय केटो, हाउ आर यू केटो। अभी उसका खेलने में मन है तो खेल रही है, और यहाँ पे सब भाई ने सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे भाई ना सब लोग क्रिकेट खेल रहे। ओ भाई साहब, भाई का रिएक्शन देखो, भाई क्या हुआ मतलब भाई का रिएक्शन कुछ अलग ही था, वहाँ पे कैच होते होते रह गया ना इसलिए, और या मतलब भाई चिल्लाया ना कि हाँ रह गया आउट होते होते, मतलब उसके दूसरे ही बोल पे वो प्रियांक भाई बोल्ड हो गया। अभी तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने घूम लिया, अभी ना यहाँ पे मेरे साथ साथ घूम रही है, नहीं तो अभी चलो मैं तो घर पे चलता हूँ और वो गार्डन में खेलेगी। तो गाइस अभी फिलहाल मैं घर पे तो कब का आ गया था, और यहाँ पे अभी बन रही है फ्रेंच फ्राइज, ये देखो यहाँ पे मस्त से बन रही है फ्रेंच फ्राइज, और मम्मी इसमें क्या है, खिचड़ी, और उसमें पीछे पड़ा है लौकी की सब्जी, ये सभी बोलते है तुमड़े की सब्जी, और आंटी यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे। आंटी ज्यादा आवाज मत करना, अभी दो मिनट टीमी। अभी तो ये मस्त फ्रेंच फ्राइज हम लोग खाएंगे, बहुत ही मजा आता है। यशवी ने देखो टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ लगा के रखा, और ये मम्मी ये पोटैटो और टोमेटो किस में डालने हैं, वो भेल बनाने। ओ भाई साहब, खाने में क्या है, लौकी की सब्जी। आंटी आंटी दो मिनट, सब्जी भाकरी खिचड़ी और आलू पोटैटो चिप्स। ओके ये देखो केरी राजापुरी। आंटी दो मिनट आप रुक नहीं सकते हो, तेरा तो पूरा दिन चलता रहता है। तो गाइस अभी तो हम लोग मस्त फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, अभी तो अगर बारिश आ रही होती तो और मजा आता फ्रेंच फ्राई खाने में, बट अभी बारिश तो क्या है, हमें ललचा रही है, थोड़ी देर आती है थोड़ी देर बंद हो जाती है, आती है बंद हो जाती है, ऐसा चल रहा है, तो बट फिर भी मजा ही आएगा, फ्रेंच फ्राई तो सबको पसंद ही होती है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ भजिया भी पसंद है, बट फ्रेंच फ्राई ऐसे गरम गरम मजा आता है, बट ऐसे बारिश में क्या है, ठंडा हो ना थोड़ा तो मजा आता है। ठीक है तो आज के लिए बस इतने ही, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।